टू गेट दैट फर्स्ट क्लाइंट, आइए जाने। मेक श्योर तुम लोग लास्ट का पॉइंट जरूर देखना क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली यू शुड बी स्किल्ड इनफ। आज चालू करते साथ ही आज तुम्हें क्लाइंट नहीं मिलेगा। लुक एट योर ओन वर्क एंड जज इट योर सेल्फ। यू कैन बी द बेस्ट जज फॉर योर ओन वर्क। ऑब्वियसली वैलिडेशन तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस देगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए तुम्हारे काम को अच्छा बोलेंगे। सो बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ योर वर्क सो इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव। सेकेंडली पुट योर वर्क आउट। तुम्हें कितना भी अच्छा काम आए लेकिन जब तक लोग देखेंगे नहीं तब तक उनको पता कैसे चलेगा। सो द बेस्ट वे इज टू मेक एन इंस्टाग्राम अकाउंट ओनली फॉर योर आर्ट। तो मैंने बहुत सालों पहले ये एक अकाउंट बनाया था एंड यहाँ पे मैं अपने ऐसे पोस्ट डालते रहता था। तो ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैं बहुत क्रिएटर्स के डीएम्स में भेज देता था उनको बताने कि दिस इज माई वर्क। बट इसमें गदा मजूरी नहीं करनी है, हर एक को भेजते नहीं रहना है। यू हैव टू चेक कि उनके एग्जिस्टिंग एडिटर का काम तुमसे बेहतर तो नहीं। You have to be better than them and then only तुम उन्हें अपना काम भेजो so that वो chances high हो जाते हैं तुम्हें वो job मिलने की। इस account पे तुम fan arts भी post कर सकते हो। Those fan arts अगर वो artist को अच्छे लगे तो he will share it on his profile। उससे तुम्हारे काम को बहुत ज्यादा viewers मिलेंगे। ये मैंने एक rapper के लिए बनाया था। He shared this on his story and I got my first client there। But obviously किसी का भी मत बनाओ, उन्हीं artist का बनाओ जिनको genuinely तुम पसंद करते हो, तब जाके वो अच्छा बनेगा। पॉइंट फाइवर या फ्रीलांसर, यहाँ पे अपना अकाउंट बनाओ और अपने गिग को अच्छे से टाइटल करो। इफ मेरे को थंबनेल सेल करने फाइवर पे देन आई विल सर्च फॉर यूट्यूब थंबनेल्स एंड मैं देखूंगा कि टॉप सेलर यहाँ पे कौन है। एज यू कैन सी इसने 1000 थंबनेल्स बेचे तो आई विल क्लिक ऑन इट एंड मैं देखूंगा इसने अपना टाइटल क्या रखा है, इसने अपना कवर आर्ट क्या रखा है, पैकेजेस कैसे रखे हैं और बहुत सारे लोगों को एनालाइज करके आई विल मेक अ गिग टू मेक श्योर मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिले। फ्रीलांसर भी एक रिलेटिवली वैसे ही वेबसाइट है। इन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारा नॉलेज यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। सो आराम से बैठ के काफी वीडियोस देख लो। एक्चुअली ना यहाँ पे क्लाइंट मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन माय इनिशियल डेज मेरे को फाइवर से एक ही सिंगापुर का क्लाइंट मिला था, लेकिन उसने इतना फट्टे काम दिया था ना भाई एंड उसका मिलता भी मजबूत है। क्लाइंट मिलना मुश्किल है बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, बट यू कैन मेक श्योर दैट यू स्टैंड आउट अमंग देम। द फोर्थ पॉइंट, डिस्कॉर्ड सर्वर्स। मेरे सर्वर पे हैशटैग लुकिंग फॉर एडिटर्स वाले चैनल में हर एक घंटे 2 या 3 क्लाइंट्स आर लुकिंग फॉर एडिटर्स। यही नीड्स अ वीडियो एडिटर, 300 या 400 रुपए पर शॉर्ट्स। तो इसको अभी तुम डीएम कर सकते हो तुम्हारा काम एंड देन यू कैन सॉर्ट थिंग्स आउट इन हिज डीएम्स। नॉट सिर्फ वीडियो एडिटिंग के काम लेकिन थंबनेल डिजाइन्स, लोगो डिजाइन, वीएफएक्स वर्क, 3डी वर्क, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, बहुत सारी चीजों के लिए यहाँ पे क्लाइंट्स अवेलेबल है। ऐसे ही और सारे डिस्कॉर्ड सर्वर्स भी है, मेरे को एक्चुअली नाम पता नहीं, लेकिन इफ यू गाइज नो सम नेम्स जरूर कमेंट्स में डालना, अपने लोगों को बहुत हेल्प होगी। बस यहाँ पे काम करते टाइम ना मेक श्योर तुम लोग पेमेंट जो है वो एडवांस में ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अगर स्कैम होता है तो उसकी गारंटी कोई नहीं लेता। नाउ फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, इम्प्रूव। यू हैव टू लुक अराउंड एंड सी व्हाट इज इन ट्रेंड। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, थंबनेल डिजाइनिंग करते हो या लोगो एडिटिंग करते हो, देयर इज ऑलवेज अ स्टाइल दैट एवरीवन वांट्स। अभी तुम लोग रील्स पे देख रहे हो काफी हैवी कैप्शन वाले इमेजेस यहाँ पे हर फ्रेम में आते रहते हैं, वैसे टाइप का एडिटिंग स्टाइल बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। सो मेक श्योर यू आर एवरी डे लर्निंग दोज न्यू थिंग्स। अगर इतना सारा कुछ करके भी अगर तुम्हें क्लाइंट नहीं मिल रहा है तो आपको अपने स्किल्स पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर स्किल्स अच्छी नहीं है, अगर इनिशियल स्टेज है, तो कम पेमेंट में काम करने में कोई बुराई नहीं है। यू लर्न अ लॉट इन दिस प्रोसेस। ये सारी चीजें मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से तुम लोगों को बताई है। जब मुझे जरूरत थी क्लाइंट्स की तो मैंने करते करते ये चीजें सीखी है। जस्ट कीप दिस इन माइंड ऑलवेज, द डे यू स्टॉप लर्निंग इज द डे यू स्टॉप ग्रोइंग। नो वन नोज आर्ट एट इट्स फुलेस्ट, लेकिन एवरीवन हियर इज लर्निंग एवरी डे। तो कभी भी डिमोटिवेटेड फील मत करना एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।